ने आदमखोर पैंथर को मार दिया। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में बीते एक महीने में पब्लिक और पैंथर्स के बीच की लड़ाई ने प्रदेश भर में सनसनी फैला दी। करीब 9 इंसानी मौतों और 4 पैंथर्स के पिंजरे में कैद हो जाने के बाद भी जब हादसे नहीं रुके तो आदमखोर पैंथर को देखते ही गोली मारने के सरकारी आदेश जारी कर दिए गए। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, आर्मी और वन विभाग की उच्च स्तरीय टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। बाहर से शूटर्स को बुलाया गया और ऐसा माहौल बनाया गया कि गोगुंदा के एक छोर के कई गांव बस दहशत में ही रहते थे। मानो उन गांवों को उन सभी सरकारी तंत्रों ने अपने कब्जे में ले लिया और इनके हिसाब से ही गांव वालों को रहने पर मजबूर होना पड़ा। करीब 9 दिनों तक बड़ा सर्च ऑपरेशन चला। सीसीटीवी, ट्रैपिंग कैमरे सब लगाए गए लेकिन आदमखोर कहीं नहीं दिखा। एक दो बारगी दिखा भी तो सभी को छकाकर कहीं ओझल हो गए। सारे के सारे तामझाम धरे के धरे रह गए। चप्पे चप्पे पर बंदूकधारी इस तरह से पैंथर्स को खोज रहे थे मानो वह उनकी पकड़ में आ ही जाएगा और उसको या तो ट्रैंगुलाइज कर देंगे या मार गिराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह से लेकर शाम तक और रात को अलग अलग टीमें सर्च ऑपरेशन में लगी रही और गांव वाले घरों में दुबके रहे। वन विभाग की ओर से तो 2 उच्च स्तरीय इमरजेंसी रिस्पांस टीमों का गठन भी किया गया जो 3-3 दिन के फेर में अपनी तैनाती और अपना प्लान एग्जीक्यूट करती रही। लेकिन सभी हाथ मलते रह गए क्योंकि पैंथर ने सर्च ऑपरेशन वाली जगहों पर कोई हलचल नहीं की। वहीं दूसरी तरफ गोगुंदा के ही दूसरे छोर पर पैंथर की चहलकदमी देखी गई जो जसवंतगढ़ से सायरा की ओर की रही। कभी वाहनधारियों को दिखना तो कभी गरबा खेलते युवाओं को दिखना, गाय बछड़ों और बकरियों का शिकार भी किया। सूचना के बाद प्रशासनिक टीमें भी मौके पर पहुंची लेकिन इस ओर कोई सर्च ऑपरेशन नहीं चला, नहीं इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम का ध्यान इस ओर गया। शुक्रवार सुबह सायरा के कमोल की भीम बस्ती में पैंथर ने एक बाड़े पर धावा बोलते हुए गाय के बछड़े के शिकार करने का प्रयास किया। तभी वहां मौजूद वृद्ध देवाराम ने पैंथर को भगाने के लिए चिल्लाते हुए अपना प्रयास किया लेकिन पैंथर ने उस पर ही हमला कर दिया जिससे वृद्ध देवाराम बुरी तरह जख्मी हो गया। लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज ने चारों तरफ से ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पैंथर को घेर लिया। बाद में गुस्साए ग्रामीणों ने पैंथर पर इतने वार किए कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह गोगुंदा में एक पैंथर की कहानी खत्म हुई। लेकिन यहाँ सवाल भी खड़ा होता है कि क्या मारा गया पैंथर वही आदमखोर था जिसने 9 इंसानी जाने ली? क्योंकि सरकारी अमले को पदमार को निशानी तो उसी जगह मिल रही है जहां उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वही सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि पैंथर ने पिछले 9 दिनों में जहां ऑपरेशन चल रहा है वहां कुछ नहीं किया और दूसरी ओर हमला करते रहा और आज ग्रामीणों के गुस्से का शिकार भी हो गया। क्या उस आदमखोर ने अपनी टेरिटरी बदली या वह आदमखोर अब भी खुला घूम रहा है? यह जांच का विषय है जो जल्द ही सामने आ जाएगा। वैसे गोगुंदा के कुछ कस्बे वालों ने कहीं न कहीं थोड़ी राहत की सांस ली होगी, वहीं कुछ कस्बे अभी भी दहशत में होंगे। नमस्कार।